I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम कटिंग से हिबिस्कस को वाटर में ग्रो करना सीखेंगे, तो आइए देखते हैं। हम 4 से 5 सेमी हार्डवुड कटिंग ले लेंगे मदर प्लांट से। सेमी हार्डवुड कटिंग्स वो होती हैं जिनकी एज 8 महीने से 12 महीने तक हो, जो कि ना बिल्कुल नई हो और ना बिल्कुल पुरानी हो। कटिंग्स को हम किसी शार्प टूल से कट करेंगे, जैसे शार्प स्केटियर या प्रूनर हो गया। अब हम जितने भी लीव्स हैं कटिंग पे, उन्हें प्रूनर की हेल्प से हटा देंगे। अगर आप कटिंग पे लीव्स लगे रहने देते हो तो कटिंग को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी बनानी पड़ती है लीव्स को मेंटेन रखने के लिए। तो सारी लीव्स को हम पहले ही हटा देंगे, जिससे हमारी कटिंग्स ईजिली ग्रो हो सकें। कटिंग के बॉटम में हम 45 डिग्री एंगल का कट बना लेंगे और कट हम नोड के नीचे बनाएंगे। ये हमारी नोड्स हैं, यहीं से लीव्स निकलती हैं, तो इसी के नीचे हम कट बना लेंगे। कटिंग के बॉटम में 45 डिग्री एंगल कट बनाने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे कि जो हमारी कटिंग होती है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर पाती है और रूट अच्छे से ज़्यादा एरिया में ग्रो हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम सारी कटिंग्स को प्रिपेयर कर लेंगे। ये देखिए, हमने 6 कटिंग्स को प्रिपेयर कर लिया है और सबकी लेंथ जो है वो 6 से 8 इंच के बीच में है। हम एक ग्लास ले लेंगे और उसे आधा वाटर से फिल कर लेंगे। आप नॉर्मल वाटर ले सकते हैं। किसी नाइफ की हेल्प से हम बॉटम में थोड़ा सा स्क्रैच कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी कैम्बियम लेयर दिखने लगेगी और जहाँ हमने स्क्रैच किया होगा वहाँ से रूट्स ईजिली ग्रो हो जाएंगी। ऐसे ही हम सारी कटिंग्स पे स्क्रैच कर लेंगे। नीचे से 2 इंच तक आपको स्क्रैच करना है हल्के हल्के। नीचे वाली साइड से जहाँ पे हमने स्क्रैच किया है वहाँ से हम कटिंग्स को पानी में रख देंगे। अब 3 से 4 दिन तक हम इस ग्लास को एक ऐसी जगह रख देंगे जहाँ हल्की हल्की सनलाइट आए, मतलब पार्शियल शेड हो वहाँ पे। डायरेक्ट सनलाइट में अभी हमें ग्लास को नहीं रखना है। ये देखिए, सिर्फ 5 दिन के बाद हमारी कटिंग्स पे न्यू ग्रोथ आने लगी है। आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की इसमें छोटी छोटी ग्रीन लीव्स आ गई हैं और कितनी अच्छी इसमें वाइट रूट्स आ गई हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी हैं। जहाँ पे हमने स्क्रैच किया था वहाँ से ही रूट्स ग्रो हुई हैं। ये देखिए, आपको ये भी याद रखना है कि 3 से 4 दिन के बाद आपको जो वाटर है ग्लास में, जो हमने वाटर डाला था, उसे चेंज कर देना है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो कटिंग है उसके रॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसमें बदबू भी आने लगती है। वाटर टाइम से चेंज करने पे हमारी जो कटिंग्स हैं वो हेल्दी रहेंगी और अच्छे से ग्रो होती रहेंगी। 9 दिन के बाद हमारी कटिंग कुछ ऐसे दिखेंगी। अब इसमें अच्छे से रूट्स आ गई हैं, तो अब हम इसे इंडिविजुअल पॉट में, अलग अलग पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कटिंग को ट्रांसफ़र करने के लिए आप एक पॉट ले लीजिए। 6 से 8 इंच डायमीटर के पॉट काफ़ी अच्छा साइज़ है कटिंग को ग्रो करने के लिए। जो हमें पॉटिंग मिक्स लेनी है कटिंग को ग्रो करने के लिए, उसमें हमें 50% गार्डन की सॉइल लेनी है, 20% हमें सैंड लेनी है जो कि हमें कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, 30% आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट ले लीजिए। सेंटर में हम 3 से 4 इंच का एक होल बना लेंगे और उसमें आराम से कटिंग को रख देंगे। सॉइल को कटिंग के चारों तरफ अच्छे से प्रेस कर देंगे। हमारी कटिंग बिल्कुल भी ढीली नहीं रहनी चाहिए, लूज नहीं रहनी चाहिए। कटिंग लगाने के बाद अच्छे से उसमें वाटर दे देना है। कटिंग को अच्छे से ट्रांसप्लांट करने के बाद हम पॉट को एक ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पे हल्की हल्की धूप आए। अभी शुरू में इसे डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना है। 4 से 8 दिन तक इसे हम हल्की छांव वाली जगह पे रखेंगे, तो अच्छे से इस कटिंग की ग्रोथ होगी। फिर उसके बाद इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट कर सकते हो, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती रहेगी आगे भी। और कुछ 45 से 50 डेज के बाद आपकी कटिंग कुछ ऐसी हो जाएगी। ये देखिए, मेरी पुरानी कटिंग है, कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ आ गई है।
और इसमें नई नई बर्ड्स भी आ गई हैं। मैं आपको बर्ड्स दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी सारी इसमें बर्ड्स आनी स्टार्ट हो गई हैं और कितनी हमारी ये हेल्दी प्लांट बन गया है जो हमने। और 2 महीने के बाद आपकी कटिंग कुछ ऐसी बन जाएगी। ये देखिए कितने सारी इसमें बर्ड्स आ गई हैं, बर्ड्स बिल्कुल ब्लूम होने के लिए तैयार हैं। ये 1 से 2 दिन के बाद इसमें फ्लावर लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए कितने सारे बर्ड्स हैं इसमें और कितनी अच्छी इसकी हेल्थ चल रही है। सब ये हमारे छोटे छोटे पॉट में ही मैंने कटिंग लगाई थी कुछ दिन पहले ही, और छोटे पॉट में ही देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। तो आप भी इसी इजी वे से अपने घर पे कटिंग ग्रो कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी कटिंग कैसे ग्रो हुई या नहीं हुई। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।